अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। तो आज मैं आपके लिए ये रिव्यू लेके आया हूँ, एक कंपैरिजन वीडियो लेके आया हूँ दोनों स्विफ्ट्स की, पुराना मॉडल और न्यू मॉडल में, कि इसमें एक्सटीरियर में और इंटीरियर में और ऑप्शन वाइज क्या ऑप्शन आपको मिलती हैं, क्या डिफरेंसेस मिलते हैं आपको। और जो न्यू मॉडल स्विफ्ट है उसका मैंने रिव्यू अपलोड कर दिया हुआ है, उसका मैं आई बटन में इसका लिंक भी दे दूँगा, तो उसको आपने ज़रूर जाकर देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। तो फ्रंट से ही आपको एक वीडियो में कंपैरिजन नज़र आना शुरू होगा कि जो पुराना मॉडल है वो थोड़ी बहुत बल्की लुक में है गाड़ी की, और वो ओल्ड स्टाइल में है, जबकि राइट जो मॉडल है वो काफ़ी स्लीक और मॉडर्न डिज़ाइन में है। गाड़ी की लाइट्स की बात से शुरू करते हैं। तो इसकी जो लाइट्स हैं, इसमें आपको प्रोजेक्शन एलईडी लाइट्स मिल जाती हैं DRLs, और आपको हेलोजन इंटीग्रेटेड मिलता है, और नीचे आपको वही फॉग लाइट मिल जाती है हेलोजन में। जबकि आप स्विफ्ट में देखें तो इस स्विफ्ट में आपको सिर्फ जो लाइट्स हैं आपको हेलोजन में मिलती हैं, इंटीग्रेटेड लाइट भी और हेडलाइट भी, और नीचे इसमें आपको वही सेम हेलोजन में मिल जाते हैं आपको फॉग लाइट। गाड़ी की फ्रंट ग्रिल्स की बात करें तो इसमें आपको दो स्ट्रेस जाती भी नज़र आती हैं, और नीचे नंबर प्लेट की ऑप्शन है, ग्रिल सेपरेट है, जबकि इसमें आपको एक प्रॉपर एक जैसे न्यू गाड़ियाँ आती हैं जैसे स्पोर्टेज हो गई, टूसोन, हेवल, उसकी तरह आपको ग्रिल मिलती है, और एक क्रोम की गार्निशिंग सेंटर में जाती हुई नज़र आती है। जबकि आप कर्व्स की बात करें तो नीचे आपको देखें एक कर्व एक लाइन जाती हुई नज़र आती है बम्पर में, जबकि इधर आपको एक राउंड शेप मिल जाती है। गाड़ी के साइड्स पे आते हैं, इसके टायर की बात करें तो वही फ्रंट पे आपको दोनों तरफ डिस्क ब्रेक मिल जाती हैं। इसमें आपको 15 इंच का रिम मिलता है, जबकि आपको इस मॉडल में आपको 16 इंच का रिम मिलता है। इसमें आपको सिंगल टोन अलॉय रिम मिलता है, इसमें आपको डुअल टोन मिलता है आपको कलर में अलॉय रिम, वही सेम फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाती हैं ABS के साथ। ऊपर हम बात करें साइड मिरर्स की, तो साइड मिरर्स में भी काफ़ी चेंज है। इसका जो डिज़ाइन देख लें आप, इसका अगर आप डिज़ाइन देखें साइड मिरर्स का, तो ये थोड़ा सा राउंडी शेप में है, ये वही फिर मॉडर्न डिज़ाइन विद LED टर्न सिग्नल, जबकि इसमें आपको फेंडर में आपको टर्न सिग्नल की ऑप्शन मिलती है। हैंडल्स की बात करें तो वही हैंडल इसमें आपको कलर्ड मिलता है, इसमें आपको क्रोम विद स्मार्ट एंट्री, ये कीलेस एंट्री नहीं है, इसमें कीलेस एंट्री है, इसमें स्मार्ट एंट्री है। गाड़ी की हम बैक की पे आ जाते हैं चलें, तो बैक पे जो बैक डोर का जो हैंडल है उसमें भी बड़ा फ़र्क है, इसमें वही सिंपल प्लेन मिलता है ओल्ड डिज़ाइन में, जबकि इसमें आपको अपर साइड पे आपको जो क्रॉसओवर आती हैं उसकी तरह आपको इसमें हैंडल मिल जाता है। गाड़ी की फिर बैक पे आते हैं, वही आपको बैक पे भी बल्कि लुक राइट साइड पे मिलेगी स्विफ्ट में ओल्ड मॉडल में, जबकि इसमें आपको एक मॉडर्न और एक कर्व जो कर्व्स हैं वो जाते हुए नज़र आएंगे। बैक पे आपको इस साइड पे बाकी सेंसर्स मिल जाते हैं, LED लाइट मिलती है, ऊपर वॉशर के ऑप्शन है, ऊपर वो हाई माउंटेड ब्रेक लैंप है, और वॉशर है, वाइपर है, ऊपर आपको एंटीना मिलता है, जबकि इस साइड में आपको खाली एंटीना मिल जाता है, नीचे कोई आपको पार्किंग सेंसर्स नहीं मिल जाते, और यहाँ वही सेम बैजिंग है। इसी अगर लुक देखें तो इसमें बल्कि लुक आती है, लाइट्स भी इसकी बिल्कुल सिंपल हैलोजन में है, कोई LED का इस्तेमाल नहीं किया गया। हाँ, इसमें एक चीज़ कॉमन है कि दोनों में आपको प्री इंस्टॉल्ड कंपनी फिटेड कैमरा मिल जाता है आपको, बैक व्यू कैमरा। तो ये था आउटर क्या कहते हैं कंपैरिजन। अब गाड़ी के इंटीरियर में चलते हैं, और सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं स्विफ्ट का ओल्ड मॉडल का, कि इसमें आपको क्या ऑप्शन दी गई है और क्या नहीं दी गई। तो इसकी अगर हम की बात करें तो ये सिंपल की है, और इसमें आपको कीलेस एंट्री है इसमें, तो इसमें आप ओपन करेंगे तो गाड़ी का ये डोर खुल जाएगा, वही सेम आपको डोर मिलता है प्लास्टिक का, और वही थोड़े बहुत यहाँ पावर विंडो कंट्रोल्स, साइड मिरर के कंट्रोल्स हैं। गाड़ी के इंटीरियर की तरफ आते हैं तो इसमें वो सिंपल सा मीटर मिल जाता है आपको, और RPM के गेज हो गए, हीट गेज हो गए। गाड़ी का स्टार्टअप भी आपको मैं दिखा देता हूँ, यह है गाड़ी का स्टार्टअप है ओल्ड डिज़ाइन की तरह। इसमें आपको सिंपल सा हैंडल मिलता है विदाउट मल्टीमीडिया कंट्रोल्स, सेंटर में आपको LED स्क्रीन मिल जाती है, ये आफ्टर मार्केट इंस्टॉल्ड है, वही प्लेन इंटीरियर है इसका, कोई एयर बैग नहीं है इस गाड़ी में, और नीचे आपको 5 मैनुअल गियर्स के साथ आपको ऑप्शन मिल जाती है इसमें, और अगर ऑटोमेटिक में लेते हैं तो यहाँ ऑटोमेटिक का गियर है, 2 कप होल्डर्स हैं, फ्रंट डोर में कोई कप होल्डर नहीं है, और राउंड शेप में इसके वो हैं AC विंग्स हैं साइड्स वाले, इसके रेक्टेंगल शेप में है, और ऊपर वही लाइट है विदाउट एनी वैनिटी मिरर, और ये बैक व्यू मिरर है, मतलब थोड़ा बहुत इसका ना ओल्ड लुक आपको नज़र आ रही है इस गाड़ी में। तो अब चलें हम इसके चलते हैं दूसरे मॉडल की तरफ, इसको गाड़ी को हम बंद कर देते हैं। यहाँ आपको पार्क जो फॉग लाइट का बटन इस साइड पे मिलता है। अब चलते हैं दूसरी तरफ जो कि मॉडर्न गाड़ी के लुक है, उसमें क्या मॉडर्निज्म आपको नज़र आता है और क्या उसमें चेंजेस नज़र आती हैं। तो ये दोबारा खोलता हूँ तो आपको इसका चेंज नज़र आ जाएगा इसके हैंडल से ही कि क्या डिफरेंस है दोनों गाड़ियों में, कह सकते हैं ज़मीन आसमान का डिफरेंस है डिज़ाइन में, ऑप्शंस में। तो ये है गाड़ी का हैंडल, लेदर स्टिच्ड है, मल्टीमीडिया कंट्रोल्स है, क्रूज़ कंट्रोल है, और क्या खूबसूरत डिज़ाइन में इसका जो हैंडल है,
फ्रंट पे अगर आप इसका मैं स्टार्टअप दिखाऊं इसका, इसमें एक तो पुशू स्टार्ट मिल जाता है, नीचे पार्किंग सेंसर्स, लाइट एडजस्टमेंट मिल जाती है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, ये कोई ऑप्शन आपको ओल्ड मॉडल में नहीं मिलती। और ये इसका स्टार्टअप मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें क्या खूबसूरत इसका स्टार्टअप है। इसका अगर मीटर डिज़ाइन देखें थोड़ा बहुत प्राडो से रिलेटेड है, थोड़ा सा ना मिलता जुलता लगता है 16 मॉडल। तो ये स्टार्टअप है, MID स्क्रीन है, और सेंटर में भी आपको 10.1 इंच की स्क्रीन मिल जाती है। नीचे आपको सो कॉल्ड डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है जो कि देखने में खूबसूरत है, वही नीचे CVT ट्रांसमिशन कप होल्डर्स है। इसमें एक चीज़ ऐड है कि इसकी क्या कहते हैं जो डोर्स है उसमें भी आपको कप होल्डर्स मिलते हैं जबकि दूसरे मॉडल में नहीं मिलते। उसके आपको राउंड जो थे जो विंग्स थे वो साइडों में मिलते थे और उस डिज़ाइन में सेंटर में थे, इसमें उन्होंने ऑपोजिट कर दिया है। ऊपर वही सेम, इसमें आपको क्वालिटी वाइज तो कह लें इतने खास नहीं है ये, लेकिन इसमें आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है और बैक व्यू मिरर और लाइट आपको कल्टस वाली मिलती है। तो कह लें कि अगर आप कंपेरिजन करें तो बहुत फ़र्क है। इसकी मैं पिक्चर भी लगा दूंगा साथ इसके साथ ना कि क्या फ़र्क है। सीट्स में बहुत फ़र्क है, लाइट है, इसकी जो कम्फर्टेबिलिटी है, इसकी जो ग्रिप है वो बहुत ज़बरदस्त है। हाँ, बाकी अगर क्वालिटी की बात करें तो इसमें भी इन्होंने कंपनी ने क्वालिटी वाइज कह लें प्लास्टिक ही यूज़ किया हुआ बैक पे, उसमें भी फ्रंट बैक सारा प्लास्टिक है, डोर वगैरह और फैब्रिक सीट्स वगैरह उस दोनों में वो चीज़ कॉमन है। तो ये था गाड़ी का थोड़ा बहुत कंपैरिजन, बिल्कुल ही छोटा मोटा कंपैरिजन किया, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं किया मैं। और इंजन की बात कर लें तो इसमें आपको 1.3 मिलता है इंजन DOHC, जबकि आपको इसमें 1.2 फ्यूल एफिशिएंट इसमें इंजन मिलता है। इसकी एवरेज की बात करें 16 के करीब इसकी एवरेज है, इसकी बात करें 9-10 के करीब इसकी एवरेज है। और अगर आप मार्क्स की बात करें तो ये 10/10 मैं इसको दूंगा और इसको मैं 10/7 दूंगा। खैर उस लिहाज के हिसाब से गाड़ी अगर देखा जाए, 10/7 देने का मकसद ये है कि उस लिहाज के हिसाब से भी गाड़ी में कोई इतने खास ऑप्शन नहीं दिए गए थे, लेकिन अगर इसमें देखें तो इसमें वो ऑप्शंस मौजूद हैं जो कि आज की गाड़ियों में, बड़ी गाड़ियों में भी मौजूद नहीं है। तो ये था रिव्यू, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।